राजीव जी बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक अहम खबर यह भी कि राजनीतिक हत्याओं के बाद नॉर्थ 24 परगना में दहशत का माहौल है। नॉर्थ 24 परगना में घर बार छोड़ने को मजबूर हुए हैं लोग। बंगाल में ऐसा माहौल कभी नहीं देखा गया। विपिन चौबे हमारे संवाददाता जो कि इस वक्त पूर्वी वर्धमान में मौजूद हैं, उन्होंने एक केंद्रीय कर्मचारी से बात की। केंद्रीय कर्मचारी ने रोते हुए कहा कि नौकरी छोड़ दूंगा लेकिन बंगाल में नहीं रहूंगा, बच्चों को बंगाल में कभी नहीं रखूंगा। सुनिए जरा। देखिए, हम भी तो 3-4 स्टेट घूम के आए हैं, तो ऐसा घटना कभी नहीं देखे। आए हैं 9 साल आए हैं वेस्ट बंगाल में, ये सब देख रहा है, देखे हमको भी कुछ अनुभव हो रहा है जी। यहाँ पर रहने का लायक नहीं है आदमी को, हम ही निकलने के लिए जो कोशिश में है स्टेट छोड़ने के। जाना चाहते हैं, अपने बच्चों को नहीं रखना चाहते? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। और विपिन चौबे हमारे संवाददाता पिछले कई दिनों से लगातार बंगाल के दौरे पर हैं। विपिन, आप जब लोगों से बात कर रहे हैं, उनके अंदर ये जो खौफ नजर आ रहा है, इसमें क्या नया आपने देखा? क्या जिस तरह की फीलिंग इस वक्त लोगों के अंदर है आने वाले चुनावों को लेकर, जिस तरह से वो आशंकित नजर आ रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह आपको नजर आ रही है ग्राउंड पर भी? देखिए, बहुत ज़्यादा आतंक है लोगों में, बहुत ज़्यादा डर है। और जिस इलाके में हाली शहर में ये शैकत भुवाल की हत्या हुई है, ये वो इलाका है जहां अब तक कोई अपराध नहीं हुआ था, और खासकर राजनीतिक रूप से तो कोई अपराध नहीं हुआ था। लेकिन कल के माहौल के बाद लोग रो रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं कि हम यहाँ रहे तो रहे कैसे। लोकतंत्र में क्या किसी पार्टी का झंडा उठाना गुनाह है? क्या किसी का प्रचार करना गुनाह है? क्या किसी से मिलना गुनाह है? क्या किसी को ये प्रेरित करना कि आप हमारी नीतियों को देखिए, आपको जो समझ में आए उसके हिसाब से वोट करिए, ये कहना गुनाह है? अगर ये कहना गुनाह है तो फिर हत्या भी जायज है। और यहाँ पर हत्या देखिए ये किया जा रहा है। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। शैकत भुवाल क्या कर रहे थे? वो और अन्याय नहीं, एक आंदोलन है बीजेपी का जो वो चला रही है यहाँ पर, ठीक है, कि अब और अन्याय हम बंगालवासियों को नहीं सहना है। वो पैम्पलेट बांट रहे थे और उसी दौरान कुछ लोग आते हैं, हमला कर देते हैं और उनकी पीट पीट कर हत्या कर देते हैं। लोग रो रहे हैं समीर। इन तस्वीरों को देखने के बाद मेरा गला भर आया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं खुद समझ रहा था कि मैं यहाँ आके ग्राउंड रिपोर्ट करके चला जाऊंगा। सही बात है, सही बात है। और पूर्वी वर्धमान हो या फिर उत्तर 24 परगना हो, परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।